इंदौर के छुट भैया नेताओं ने एक बार फिर जमकर नौटंकी की है और छुट भैया नेता की नौटंकी को लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी थाने पहुंच गए। पुतला जलाने के विरोध में प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पिछले दिनों गांधी परिवार को एनसीपी सुरक्षा हटाने कर विरोध में छुट भैया नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जला दिया था, जिस समय छुट भैया नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला जलाया उस समय शहर में धारा 144 लागू हुई थी। अंततः पुलिस ने बिना अनुमति पुतला जलाने का उल्लंघन में विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था और उस मामले में पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, लेकिन राज्य विकास केंद्र के अध्यक्ष लगातार पुलिस की कार्रवाई से बचते नजर आ रहे थे। इस दौरान पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए। वहीं पुलिस की कांग्रेस नेता ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप भी लगाए। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में पुलिस प्रशासन किस तरह की कार्यवाही करता है। भाजपा शासन काल में चाहे पटवारी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह उमा भारती बाबूलाल गौर की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इन सभी के पुतले मैंने जलाए हैं और मौखिक अनुमति से जलाए हैं। उसमें कई मुकदमे भी लगे, सैकड़ों बार मैं जो है जेल भी गया और हजारों आंदोलन किए। जब सहमति हो गई थी 11 तारीख की, 10 तारीख को अधिकारियों ने मुझसे क्यों नहीं संपर्क करा कि कार्यक्रम को निरस्त करना। 11 तारीख को चाहे एसपी हो, चाहे सीएसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, ये एक भी कार्यक्रम स्थल पे नहीं थे। मेरी सीएसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा एसपी साहब ने चर्चा हो गई है गोस्वामी जी से कि 11 तारीख को आप जो है आज पुतला जलाना, हम पानी डालेंगे और पुतला छीन लेंगे जैसे स्वाभाविक पहले होता आया है। जब पूरी सहमति हो गई 11 तारीख को भी, जब हम 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खड़े थे, तो धारा 144 का नियम का पालन क्यों नहीं करा पुलिस ने? क्यों 9:30 बजे तक इंतजार करते रहे? जब पुतला जला उसके बाद मुझे चोट आई वहाँ हुदी में गिरने के कारण, धक्का मुक्की के कारण। लेकिन शहर के 3 मंत्री थे, वो आपको देखने नहीं आए? आप कांग्रेस के लिए इतने प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आए, लोग आए हैं, जब भी मेरी सब नेताओं से चर्चा हुई, सबने मोबाइल कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रकरण दर्ज किया गया, जब सहमति तो प्रकरण क्यों दर्ज किया गया? पूर्व में जो घोषणा की गई थी उसके संबंध में जो है आए थे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था। हाँ, पूर्व में जो घोषणा थी उसके तहत में आए थे और पर्याप्त व्यवस्था जो है पुलिस की लगाई गई थी। यहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट साहब और अधिकारी सभी लोग रहे, आके जो है सुबह उन्होंने जो है बोला कि जो